नशा आदत हर खबर की। आजम भट्ट के निरहुआ जी को चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर, उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए और माने अखिलेश यादव जी तक चले जाइए, वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एनडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जब हम बैठे हैं तो हमारे दसों विधायक हैं। आड़ी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और गर्व इस बात का है, इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। मुझे याद है सदैव नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा, जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय राष्ट्रीय आदरणीय नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सदैव नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो सकता है बीजेपी के लोग जाने के इनके इमारतों पर जो जाने कब्की बनी हो उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। जी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 गांव के लोगों की जमीनें जा रही है, 8 गांव के लोगों का कहना है मोदी जी कह रहे कि हमारे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।